वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे जूलॉजी। ठीक है, क्या है आपका? सॉरी, ये कौन सा मार्कर आ गया? गलत। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए पार्ट आपका कौन सा है? पार्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम? आप जूलॉजी, इसका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, एक से दो तक हमने पढ़ लिए। आज हम बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमीनो अम्ल क्या है? पूछ रहा है अमीनो अम्ल क्या है, इनके गुणों गुण बताना है, वर्गीकरण और जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। अमीनो अम्ल क्या है पहले ये बताना है, इनके गुणों का वर्गीकरण, गुणों वर्गीकरण करना है और इनका जैविक महत्व बताना है। तो ये सभी क्या करना है आपको बताना है। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं ये आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें मूल जो समूह होते हैं आपके, मूल समूह क्या होते हैं आपके? NH2 होता है और COOH होता है। क्या होता है? NH2 और COOH, ये आपके क्या होते हैं? मूल समूह होते हैं। ठीक है, ये आपके मूल समूह होते हैं NH2 और COOH। ठीक, अब देखो ये बार अब हम बात करते हैं पैरा अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं आपके। ठीक है, कैसे? उभयधर्मी होते हैं। माइक लगाना भूल गया, ये लो। उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक जो आपका एनायन और कैटायन यानी कि दोनों तरह जो काम करे। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की तरह काम करता है, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, जैसे आपका वाटर होता है। ठीक है, उभयधर्मी, उभयधर्मी यौगिक है जिनमें दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, दो क्रियात्मक समूह आपका, एक होता है NH2 और दूसरा कौन सा होता है आपका? COOH होता है। ठीक है, नंबर एक अम्लीय समूह, अम्लीय समूह जिसे हम कहते हैं COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा होता है क्षारीय समूह, एल्कलीन ग्रुप NH2, जिसे हम कहते हैं अमीन ग्रुप। ठीक है, क्या होता है? अमीन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हाइड्रोजन देने की तथा अमाइनो ग्रुप में हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। जो आपका COOH ग्रुप होता है ये हाइड्रोजन को देता है, क्या करता है? हाइड्रोजन को देने की क्षमता पाई जाती है, जबकि इसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। इसको उभयधर्मी आयन या ज्यूटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी आयन या ज्यूटर आयन भी कहते हैं। ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका उभयधर्मी या ज्यूटर आयन की अगर हम बात करें तो। ये क्या आपका कोई अमाइनो एसिड है? ठीक है, क्या है? अमाइनो एसिड जिसपे एक ग्रुप आपका क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप आपका क्या लगा हुआ है? COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? COOH। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोस्टली कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन बंध बना रहा है। अब ऑक्सीजन, ये जो आपका COOH ग्रुप होता है ये क्या करता है? OH से अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? OH से अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, या इसमें हाइड्रोजन देने की, दान करने की क्षमता होती है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन देगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? ये हाइड्रोजन कहाँ पहुंच जाएगा? इस नाइट्रोजन से जाके लग जाएगा, नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाने लगेगा। इस तरह इस पर क्या आ जाएगा? प्लस का, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, जो कि आपका ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले ऑक्सीजन से हटके ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया? आपका नाइट्रोजन पे आ गया, और नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा? प्लस का चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, यहाँ कितने बना रहा है? चार। जब कोई अपनी संयोजकता से ज्यादा बंध बनाता है तो उस पर उतना ही प्लस का आ जाता है, जितने बॉन्ड ज्यादा बना रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा आ जाएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के गया। ये जो है आपका क्या है? आर एल्किल ग्रुप, जो आर लगा हुआ है इससे, ये क्या है आपका? एल्किल ग्रुप, जो आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, यहाँ पर भी आर क्या आपका? एल्किल ग्रुप। NH2 बीइंग बेस प्रोसेसेस अ हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन आयन्स। यहाँ पर जो NH2 है वो किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह काम करता है, और ये कैसा होता है? इसमें
प्रोटॉन्स को या H प्लस आयन को ग्रहण करने की उच्च क्षमता होती है, ठीक है, या हाईली इसको एफिनिटी कर रखता है, ठीक है, बांधे रखता है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है प्लस और माइनस, तो इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या कहते हैं इस अवस्था को? ज्यूटर आयन, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों ही एक साथ पाए जाते हैं। करंट द एसिडिक CWH डिसोसिएट रिलीज एच रिलीजिंग एच प्लस। ये जो आपका एसिडिक ग्रुप होता है ये क्या करता है? CWH डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि CWH क्या हो जाता है? टूट जाता है। और क्या करता है? रिलीजिंग एच प्लस आयन, ये एच प्लस आयन को रिलीज करता है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन से जाके लग जाते हैं। अच्छा, द ज्यूटर आयन ऑफ एन अमाइनो एसिड, ठीक है, ये ज्यूटर आयन है। अमाइनो अम्ल के अगर हम सामान्य गुणों की बात करें तो सामान्य गुण क्या है? यह सफेद रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। कैसे हैं? सफेद रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। दूसरा कह रहे हैं यह जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं आसानी से। तीसरा, यह कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं, ठीक है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं घुलते हैं। फोर्थ कह रहा है ये स्वाद में मीठे, कड़वे या स्वादहीन हो सकते हैं। या तो चखने में आपको मीठे लगेंगे या आपके कड़वे लगेंगे, या उनमें कोई स्वाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई स्वाद आपको नहीं आएगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, ठीक है, बहुत ही अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, मतलब कि प्रोटीन जब आपके बहुत सारे प्रोटीन मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन मिल जाते हैं, तो जो एक आपका बृहत अणु बनता है, ठीक है, या पॉलीमर बनता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, सॉरी अमाइनो एसिड उल्टा कर दिए। जब बहुत सारे आपके अमाइनो एसिड मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है कौन? अमाइनो एसिड, ठीक है। प्राकृतिक अमाइनो एसिड, ठीक है, कुछ नेचुरल अमाइनो एसिड से यहाँ पर आपको दे रखे हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। कह रहा है प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ये निम्न है। प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20, यानी कि लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, या ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। क्रमांक 1, 2, 3, 4 और आगे दे रखा अमीनो अम्ल, ठीक है, उसका नाम दे रखा जो अमीनो अम्ल है ये क्या है, अमीनो अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको दे रखा है। एक अक्षर संकेतांक, मतलब इसका जो नाम है इसका पहला अक्षर कौन सा? पहला अक्षर संकेतांक, ठीक है। आगे क्या है? 3 अक्षर संकेतांक, ठीक, 3 लेटर एब्रीविएशन। तो 3 लेटर मतलब पहले के 3 अक्षरों से इसको संकेत करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम एक की बात करें तो आपका क्या हो जाता है? एलेनिन। क्या हो जाता है? एलेनिन। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? C3H7NO2। पहला अक्षर क्या होगा? ए। और दूसरा क्या होगा? AL, ठीक है। ये पहला संकेतांक, पहला संकेत अक्षर क्या होगा आपका? ए। और थ्री अक्षर संकेत क्या होगा? AL। दूसरा क्या होगा आपका? आर्जिनिन। क्या है? आर्जिनिन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H14N4O। इसका एक अक्षर संकेतांक क्या होगा? आर, ठीक है, आर्जिनिन, इसका पहला बड़ा आर। थर्ड क्या होगा आपका? एस्पारजिन। क्या होगा? एस्पारजिन, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा रासायनिक? C4H8N2O3, ठीक है। तो इसका एक अक्षर संकेतांक क्या होगा आपका? एन, ठीक है, एस्पारजिन, ठीक है, क्या होगा? एन। फोर्थ आपका एस्पार्टिक एसिड C4H7NO4, इसका क्या होगा? डी। क्या होगा? एस्पार्टिक एसिड का डी, एक अक्षर संकेतांक। इसके बाद आपका फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ जो है आपका एसिटिक एसिड वो क्या है? सिस्टीन। क्या है? सिस्टीन, C3H7NO2S। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। सिक्स है आपका ग्लूटामाइन। क्या है? ग्लूटामाइन, C5H10N2O3। इसको किससे हम प्रेजेंट करेंगे? क्यू से, ठीक है। सेवन आपका क्या है? ग्लूटामिक एसिड। क्या है? ग्लूटामिक एसिड, C4H5N3O। इसको ई से प्रेजेंट करते हैं। आपका अर्थ है आपका ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन, यानी कि C2H5NO2। इसको हम जी से प्रेजेंट करते हैं। नौ आपका हिस्टिडीन। क्या है? हिस्टिडीन, C6H9N3O2, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। टेन है आपका आइसोल्यूसिन। क्या है? आइसोल्यूसिन, यानी कि C6H13NO2। 11 है आपका ल्यूसिन, जिसका सूत्र है C6H13NO2। 12 है आपका लाइसिन, जिसका सूत्र है C6H14N2O2। 13 है आपका मेथियोनिन। क्या है? मेथियोनिन,
इसका सूत्र है C5H11NO2S, C5H11NO2S, और इसको M से प्रेजेंट करेंगे, लाइसिन को किस से प्रेजेंट करेंगे, ल्यूसिन को L से, और आइसोसिन आइसोल्यूसिन को I से। 14 है आपका फिनाइल एनेमीन, क्या है फिनाइल एलेनिन C9H11NO2, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। 15 है आपका प्रोलिन, क्या है C5H9NO2, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। 16 है आपका सीरीन, क्या है सीरीन C3H7NO3, इसको हम एच से प्रदर्शित करेंगे। इसके आगे आपके हैं 18 आपका क्या है ट्रिप्टोफैन, क्या है ट्रिप्टोफैन, जिसको C11H12N2O2, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। 19 है आपका टायरोसिन, क्या है टायरोसिन C9H11NO3, इसको हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। 20 है आपका वैलिन, क्या है वैलिन C5H11NO2, ठीक है इसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके कितने हैं 20 हैं, जिनमें से आपको 10 आपके एसेंशियल होते हैं, आवश्यक कितने होते हैं आपके 10, ठीक है आवश्यक आपके कितने होते हैं 10, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है 10, किसी भी तरह से आपको 10 को 10 के नाम याद रखने, जो कि आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं पर ये हमारी बॉडी में बनते नहीं है, ठीक है तो वो आवश्यक कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये कुछ आवश्यक हैं, आपका आर्जिनिन वाला आपका आवश्यक है, ठीक है आर्जिनिन ये आपको याद करना है, इसका सूत्र सहित आर्जिनिन को आपको सूत्र के सहित याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आर्जिनिन के बाद आपको पढ़ना है ये, यहाँ पर आ जाओ, आर्जिनिन के बाद आपको पढ़ना है हिस्टिडीन आइसोल्यूसिन, ये आपको पढ़ना है हिस्टिडीन, ठीक है नौ नंबर हिस्टिडीन पढ़ना है आपको, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है आपका, और आइसोल्यूसिन पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, और 11 आपका क्या पढ़ना है ल्यूसिन पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ठीक है ल्यूसिन इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, और लाइसिन भी आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है याद रखना है। और आपका क्या हो जाएगा मेथियोनोन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा मेथियोनोन भी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है मेथियोनोन पढ़ना है आपको, और फिनाइल एलेनिन पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है फिनाइल एलेनिन भी आपको पढ़ना है, और आपका एक होता है थ्रियोनिन, क्या थ्रियोनिन भी आपको पढ़ना है, क्या करना है थ्रियोनिन भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है ट्रिप्टोफैन भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है ट्रिप्टोफैन, और उसके बाद आपको बैलिन पढ़ना है, ठीक है उसके बाद क्या पढ़ना है आपको बैलिन पढ़ना है। तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक पहले में लगा हुआ था आपका सेकंड वाला, तो इस तरह से ये आपके 10 हो जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको नाम और इनके रासायनिक सूत्र और इनका जो संकेतांक है अक्षर है एक वाला वो आपको याद रखना है, ठीक है ये 10 तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है किसी भी प्रकार से आपको इनको याद करना है, ठीक। नेक्स्ट नंबर एक कह रहा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रासायनिक प्रकृति क्या पढ़ना है ये अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स किसके प्रकार पर, नंबर ए अगर हम बात करें तो कह रहा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो अम्लों को रासायनिक प्रकृति के आधार पर, किसके रासायनिक प्रकृति के आधार पर तीन वर्गों में विभक्त किया गया है, जो कि कौन कौन से, नंबर एक आपका क्या हो जाएगा एलिफैटिक अमीनो एसिड, क्या एलिफैटिक अमीनो एसिड, दूसरा है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है एरोमेटिक अमीनो अम्ल, थर्ड है आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो अम्ल, क्या है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो इसको तीन वर्गों में विभक्त किया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या एलिफैटिक अमीनो अम्ल की, किसकी एलिफैटिक अमीनो अम्ल, ठीक है एलिफैटिक अमीनो एसिड्स, क्या होते हैं एलिफैटिक अमीनो एसिड, कह रहा है इन अमीनो अम्लों में किसमें एलिफैटिक एल्काइल आर समूह, ठीक है क्या होता है आपका आर समूह लगा रहता है, चाहे वो आपका CH3 हो या C2H5 हो, ठीक है आर समूह पाया जाता है। ये अमीनो अम्ल चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के, कौन से वाले एलिफैटिक अमीनो अम्ल, और इनमें क्या पाया जाता है एक एल्किल समूह पाया जाता है, ठीक है आर, एक कौन सा हो गया आपका उदासीन अमीनो अम्ल, ठीक है न्यूट्रल अमीनो एसिड, कह रहे हैं इन अमीनो अम्लों में केवल आपका एक COOH समूह बाय एक NH2 समूह पाया जाता है, किसमें न्यूट्रल वाले में या उदासीन वाले में, एक आपका COOH और एक ही क्या पाया जाता है NH2 ग्रुप पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन और आपका क्या है
आदि, इतने आपके किसमें आ जाते हैं, उदासीन अमीनो एसिड में। ठीक है, कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, ग्लाइसिन सरलतम अमीनो अम्ल है। क्या है, जो आपका ग्लाइसिन है वो कैसा है, सरलतम अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कुछ दे रखा है, ये आपका क्या है, ग्लाइसिन। कार्बन से क्या लगा हुआ है, सी डब्ल्यू एच, एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक क्या लगा हुआ है, एनएच। तो इनमें क्या पाया जाता है, एक सी डब्ल्यू एच और एक ही आपका एनएच टू ग्रुप पाया जाता है। तो ये क्या है, ये आपका लाइसिन है। ठीक है, एलिनिन कार्बन से लगा हुआ है, एक ग्रुप आपका एल्किल ग्रुप आ गया और एक ही आपका सी डब्ल्यू एच और एक ही आपका एनएच टू। दूसरे अगर हम बात करें वैलिन की, तो वैलिन में कार्बन से कितने, दो तो आपके आर ग्रुप लगे हुए हैं, कितने, दो आपके आर ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन से, एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा एक एनएच टू ग्रुप, और एक का मिल जाएगा आपको सी डबल बॉन्ड और सी डबल ओ एच ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें एक ही आपका एनएच टू और एक ही आपका सी डबल ओ एच ग्रुप पाया जाता है। ठीक, उदासीन वाले में। इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है इसका, ये ल्यूसीन का, क्या ल्यूसीन का, जिसमें दो आपके सी डब्ल्यू आर ग्रुप लगे हुए हैं अगले कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक इसमें सी एच टू ग्रुप एक और बढ़ गया। ठीक है, वहां क्या था, केवल सी एच था वहां पे, यहाँ पर एक सी एच टू बढ़ गया है और बाकी इतना भाग आपका ज्यों का त्यों है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, एन एच टू और सी डब्ल्यू एच, किसमें, ल्यूसीन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोल्यूसीन की, तो इसमें क्या है, इस वाले कार्बन से जो कार्बन है इससे आपका क्या लगा हुआ है, सी टू एच फाइव ग्रुप लगा हुआ है, एक एक क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये भी आर है, ये भी आपका आर है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और यहाँ पर भाई एन एच टू और सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल ओ एच। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोल्यूसीन। ठीक, दूसरा है अम्लीय अमीनो अम्ल, कैसे, अम्लीय अमीनो अम्ल, ठीक है, एसिडिक। कह रहे हैं इन अमीनो अम्लों में किन में, इनमें अतिरिक्त सी डबल ओ एच समूह पाया जाता है, उदाहरण के लिए ग्लूटामिक एसिड, क्या ग्लूटामिक एसिड व एस्पार्टिक एसिड, इसमें अतिरिक्त सी डबल ओ एच ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, इसमें दो हो सकते हैं आपके, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो एक अतिरिक्त इनमें सी डब्ल्यू एच ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड की अगर हम बात करें, तो एक आपका सी डब्ल्यू एच सी एच टू सी एच टू और एक आपका सी डब्ल्यू एच, बाकी एन एच टू आपका लगा है। एस्पार्टिक एसिड की अगर हम बात करें, तो सी डब्ल्यू एच सी एच टू और कार्बन से एन एच टू लगा है हाइड्रोजन और आपका ये सी डब्ल्यू एच, तो इसमें भी दो आपके हैं और इसमें भी आपके दो हैं। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। थर्ड है आपका क्षारीय अमीनो अम्ल, ये क्या था, एसिडिक यानी कि अम्लीय अमीनो अम्ल। थर्ड है आपका क्षारीय अमीनो अम्ल यानी कि बेसिक अमीनो एसिड। इन अमीनो अम्लों में क्या है, एक से अतिरिक्त एन एच टू ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, एन एच टू ग्रुप क्या पाया जाता है, एक से अधिक होगा। ठीक है, जो कि बेस की तरह कार्य करता है, उदाहरण के लिए आपका लाइसिन हो गया और आर्जिनिन हो गया, लाइसिन और आर्जिनिन, इनमें एक से ज्यादा आपका एन एच टू ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, देखने को मिल जाएगा आपका। ये कहाँ पहुंच गए हम, कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए क्या, ये आगे आ गया, ये है आपका क्षारीय। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन, तो लाइसिन और आर्जिनिन में क्या होगा, एक से ज्यादा आपका एनएच टू ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो एन एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू और इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, एन एच टू सी डबल ओ एच, तो यहाँ पर कितने हैं आपके, दो एन एच टू ग्रुप लगे हुए, एन एच टू एन एच टू एन एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू और कार्बन से क्या लगा हुआ है, एन एच टू और सी डबल ओ एच, तो यहाँ पर कितने एन एच टू ग्रुप लगे हुए, एक दो तीन, इसमें तीन आपके एन एच टू ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा, क्या, आर्जिनिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका था, क्षारीय अमीनो अम्लों का। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन एन एच टू ग्रुप अतिरिक्त मिलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा आपको मिल जाएंगे अमीनो अम्ल, क्या था, सी डब्ल्यू एच, एक से ज्यादा मिल रहा था। फोर्थ आपका है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, कैसे, सल्फर युक्त, इसमें कहीं ना कहीं आपको एस देखने को मिल जाएगा। कह रहा है इन अमीनो अम्लों में एक सल्फाइड्रिक, क्या, सल्फाइड्रिल समूह यानी कि सल्फाइड्रिल एस और एच समूह पाया जाता है, कौन से में, आपका सल्फ्यूरिक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल में क्या होता है, आपका एक सल्फाइड्रिल समूह यानी कि एस एच समूह पाया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, तो सिस्टीन, क्या, सिस्टीन, सिस्टाइन और सिस्टीन, सिस्टाइन और सिस्टीन, इनमें आपको एक एस एच ग्रुप मिल जाएगा देखने को। तो इसकी अगर हम बात करें, सिस्टाइन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, कार्बन के बाद एन एच टू और सी डबल बॉन्ड, ये तो सभी में क्या है, सेम रहना है। ठीक है, सभी में आपका ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या है, सी एच टू और एच एस। सिस्टीन की अगर हम बात करें, तो ये ग्रुप क्या है आपका, सेम रहता है। ठीक है, इतना यहाँ पर ऊपर क्या लगा हुआ था आपका,
एच, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कार्बन और आ जाएगा, बकाया इतना भी आपका सेम है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, एनएच टू लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको एस सिंगल बॉन्ड एस देखने को मिल जाएगा, ठीक। क्या मिल जाएगा, एस सिंगल बॉन्ड एस, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टीन कहते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार का है आपका, ये है सल्फर युक्त, ठीक है। इसमें क्या है आपको देखने को मिल रहा है, सल्फर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका एरोमेटिक अमीनो अम्ल। पहला क्या था, एलिफेटिक, दूसरा क्या है, एरोमेटिक अमीनो अम्ल, यानी कि चक्रीय रिंग होगी इसमें कहीं ना कहीं। कह रहा है इन अमीनो अम्लों में एक बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग पाया जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो फिनाइल एलेनिन, क्या, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, ये एग्जाम्पल है आपके एरोमेटिक अमीनो अम्ल के, जो कि आपको याद रखना, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो अम्ल, तो इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, ठीक है। बेंजीन रिंग पाई जाती है, ये क्या है आपकी, बेंजीन बनी हुई है, ठीक है। क्या है आपकी, बेंजीन बनी हुई है, सी एच टू हो गया आपका और सी एच, और बाकी यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर लगा दो, ठीक है, सेम रहेगा एन एच टू, और उसी से क्या लगा होगा आपका, सी डब्लू एच, ये क्या होता है, फिनाइलिनिन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या था आपका, टायरोसिन, ठीक है। क्या था, टायरोसिन, इसमें भी आपका क्या है, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, एक बेंजीन सी एच टू, और यहाँ पर ये एच इस तरह से लगा रहा है, बाकी क्या है इसमें, एन एच टू और एन एच टू, क्या है, एन एच टू एन एच टू, तो इसमें यहाँ पर एन एच टू नहीं होगा, क्या होगा, सी डबल एच होगा, क्या होगा, सी डबल एच होगा। अब ये हो गया आपका टायरोसिन, क्या, टायरोसिन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या था, थर्ड वाला था आपका हेट्रोसाइक्लिक, क्या था, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। साइकिल तो होगी बट वो फाइव मेंबर्ड हो सकती है, थ्री मेंबर्ड हो सकती है और सेवन मेंबर्ड हो सकती है, ठीक है। कैसी होगी, विषम चक्रीय, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो अम्ल। कह रहे हैं इन अमीनो अम्लों में, इन अमीनो अम्लों में एक विषम चक्रीय बल है, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाया जाता है। इन अमीनो अम्लों की पार्श्व श्रृंखला बलय में कार्बन के अलावा एक अन्य तत्व परमाणु पाया जाता है। कार्बन के अलावा एक अन्य तत्व परमाणु मिलेगा आपका, चाहे नाइट्रोजन हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे सल्फर हो गया, इनमें से कोई भी आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कार्बन के अलावा बलय में ट्रिप्टोफैन प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन और प्रोलीन ये किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन और प्रोलीन। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ट्रिप्टोफैन क्या है, ट्रिप्टोफैन ये आपकी क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। और इसी से लगा हुआ बगल वाला जो रिंग है, ये कैसा आपका, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और क्या लगा हुआ है इससे, सी एच टू लगा हुआ है, सी एच एन एच टू और सी डब्लू एच, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। प्रोलीन की अगर हम बात करें तो इसमें फाइव मेंबर्ड रिंग है, कितने मेंबर्ड रिंग है, फाइव मेंबर्ड, वन टू थ्री फोर, और ये छठा क्या है आपका, नाइट्रोजन है, ठीक है। क्या, ओ फिफ्थ क्या है आपका, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन के अलावा भी इसमें कोई अन्य तत्व आपको देखने को मिल जाता है, बाकी सी डब्लू एच, बाकी ये क्या आपका, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, मतलब प्रोलिन ही है, इसमें क्या है, एक ओ एच यहाँ पर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, ट्रिप्टोफैन प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन। दूसरा दूसरा किसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया, स्रोत के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है, वो किस तरह से किया है, कह रहा है जैविक दृष्टि से संश्लेषण के आधार पर अमीनो अम्लों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। नंबर एक क्या होता है आपका, आवश्यक यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा आता अनावश्यक अमीनो अम्ल यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, थर्ड आपका आता अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इनको तीन वर्गों में बांटा गया, ठीक है, कितने वर्गों में, तीन वर्गों में इनको बांटा गया, किसकी, जैविक दृष्टि संश्लेषण के आधार पर, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले अगर हम बात करें आवश्यक अमीनो अम्ल की, किसकी, आवश्यक अमीनो अम्ल की, तो ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं। कह रहा ऐसे अमीनो अम्ल, कौन से, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण या जिनका निर्माण जंतु कोशिकाओं में नहीं होता, यानी कि इनका निर्माण जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, वह उनको भोजन से प्राप्त करना आवश्यक है। किससे प्राप्त करते हैं, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, जंतु के बॉडी में नहीं बनते हैं, उनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं, ठीक है, भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल एम एल बी आई पी, बी आई पी टी कर दो, ठीक है, एल एम एल आई पी आई बी पी टी,
या आप कर सकते हो एल एम एल बी आई पी टी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने के तरीके हैं, एल एम एल बी आई पी टी। तो ये आपके कुछ अमीनो एसिड हैं जो कि आपके कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं, कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, आपका हो जाएगा एल से हो जाएगा ल्यूसीन, दूसरा क्या हो जाएगा एम से हो जाएगा मेथियोनिन, और एल से क्या हो जाएगा लाइसिन, ठीक है, और बी से क्या हो जाएगा आपका बेलिन, और आई से क्या हो जाएगा आइसोल्यूसिन, बी से बेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, और एफ और ये क्या है आपका फिनाइल एलिन, क्या है आपका फिनाइल एलिन, एवं आपका क्या हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, क्या फिनाइल एलिन और ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा पी पी एच ई एन वाई एल, फिनाइल एलिन और ट्रिप्टो, ठीक है। लाइसिन मेथियोनिन ल्यूसिन, बी से क्या हो जाएगा बेलिन, आई से क्या हो जाएगा आइसो आइसो आपका आइसोल्यूसिन, और पी से क्या हो जाएगा फिनाइलएमीन, और टी से क्या हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। तो ये आपको याद रखने किसके आवश्यक अमीनो, ये आपको याद रखना, ठीक है, एल एम एल बी आई पी से याद कर लेना इसको, ठीक है, अच्छे से। दूसरा है अनावश्यक अमीनो, कौन से अनावश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। दूसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल कह रहा है ऐसे अमीनो अम्ल, कौन से ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण जंतु कोशिकाओं में हो जाता है, यानी कि जंतु कोशिकाओं में स्वतः ही बन जाते हैं, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं, एलिनिन हो गया आपका, एस्पार्टिक एसिड हो गया आपका, सीरीन हो गया आपका, ग्लाइसिन हो गया आपका, ग्लूटामिक एसिड हो गया, एंड सिस्टीन हो गया। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका एलिनिन हो गया, ये कैसे होते हैं अनावश्यक होते हैं, कैसे होते हैं अनावश्यक होते हैं, लेकिन ये बॉडी में बन जाते हैं, इनका संश्लेषण हो जाता है। एलिनिन हो गया आपका, एस्पार्टिक एसिड हो गया, सीरीन और ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन, ये चार पाँच हैं इसके, इनको आपको याद कर लेना, ठीक। थर्ड आपका क्या था, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड, क्या था अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड, यानी कि नॉन सेमी एसेंशियल, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड यानी कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो कह रहा है हिस्टिडीन, क्या हिस्टिडीन एवं आर्जिनिन अर्ध या आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल है, कैसे है अर्ध या आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो एसिड है, इनका निर्माण जंतु कोशिकाओं में बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि ये बनते तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में या बहुत धीरे धीरे जंतु कोशिकाओं में बनते रहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं अर्ध आवश्यक। अब हमने क्या पढ़ना है, महत्व पढ़ना है अमीनो अम्लों का, जैविक महत्व पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो भी कह रहा है अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल से ही होता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लगभग 20 अमीनो अम्ल हजारों प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, जो अभी हमने देखे थे 1 से 20 तक, वो हजारों प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन निर्माण में एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह यानी कि NH2, ठीक है, एक अमीनो अम्ल का जो अमीनो समूह होता है वो क्या करता है, दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करता है, ठीक है। ये पहला है, दूसरे अमीनो अम्ल का क्या होगा COOH, ठीक है, इससे क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप एक पेप्टाइड बंध बनता है, क्या बनता है पेप्टाइड बंध बनता है, एक जल अणु का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंध से जुड़े दो अमीनो अम्लों को डाई पेप्टाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछ लिया जाता है आपसे कि पेप्टाइड बंध क्या होता है, ठीक है, क्या पेप्टाइड बंध क्या होता है और कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, जब अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल का कौन सा सिरा होगा आपका अमीन वाला सिरा, ठीक है, दूसरे अमीनो अम्ल का कौन सा सिरा होगा आपका कार्बोक्सिलिक समूह होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ से क्या होता है, जल निकल जाता है, और जिस बंध से ये जुड़ जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध, और ये पूरा क्या कहलाता है आपका डाइपेप्टाइड कहलाता है। तो ये आपका एक अमीनो एसिड है, ठीक है, पहला, और ये आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है। तो मान लो पहले अमीनो एसिड का हमने क्या ले लिया, एक का हमने COOH ग्रुप ले लिया, दूसरे का क्या है आपका ये NH2 ग्रुप है, क्या है NH2 ग्रुप। तो COOH से क्या होगा OH मिलेगा और NH2 का एक H, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड हो यानी कि O ऐसे आ जाएगा और बाकी आपका ये नाइट्रोजन कहाँ लग जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से आके चपक जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपका ये सेम इतना यहाँ से यहाँ तक आपका ये लगा हुआ है, ठीक है,
ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वो कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन बंद बना है ये वाला, ठीक है, ये नहीं, ये वाला बॉन्ड बना है हमारा, तो यही बॉन्ड बॉन्ड कैसा होगा आपका, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, कैसा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, बाकी आपका ज्यों का त्यों आगे का समूह लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डाई पेप्टाइड, ठीक है, क्या कहते हैं, डाई पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके आगे कह रहा है, इसी प्रकार अन्य अमीनो अम्ल जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कह रहा है, ठीक है, अतः प्रोटीन द्विक्रियात्मक समूह वाले यौगिक होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विक्रियात्मक, एक क्या होता है आपका एन एच टू, दूसरा क्या होता है सी डब्लू एच, कह रहा है, जिनके एक सिरे पर मुक्त अमीनो समूह पाया जाता है तथा दूसरे सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इन सिरों को क्रमशः एन टर्मिनल, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस कहते हैं, एन टर्मिनस क्या होगा एन एच टू का ग्रुप होता है एन टर्मिनस, और सी डब्लू एच लगा रहा था उसका क्या होता है सी टर्मिनस कहलाता है, ठीक है, कह रहा है प्रत्येक प्रोटीन में लगने वाले अमीनो अम्लों की संख्या एवं क्रम निश्चित होता है, प्रत्येक प्रोटीन में, प्रत्येक प्रोटीन जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उनमें आपका जो अमीनो अम्ल होगा वो किस तरह से लगे हैं, कितनी संख्या में लगे हैं, उनके एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है, जिससे होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या तो प्रोटीन के गुण में, किसमें, प्रोटीन के गुण में परिवर्तन हो जाता है या वह प्रोटीन ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, उस जब इनमें कोई परिवर्तन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, या तो प्रोटीन के गुण में कोई परिवर्तन आ जाएगा या जो बना हुआ प्रोटीन है वही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, नष्ट हो जाएगा। अमीनो अम्ल के डी एनिमेशन, जो आपका एन एच टू ग्रुप होता है उसका विखंडन, ठीक है, टूटना, डी एनिमेशन से बनने वाला एसिटाइल को एंजाइम क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम क्रेब चक्र द्वारा ऊर्जा निर्माण करता है, क्रेब चक्र द्वारा क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा किस रूप में मिलती है हमको, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, ठीक है, क्रेब चक्र द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ अमीनो अम्ल कैसे होते हैं आपके, ट्रांस एमिनेशन द्वारा अन्य अमीनो अम्लों के निर्माण में मदद करते हैं, कुछ अमीनो अम्ल क्या करते हैं, ट्रांस एमिनेशन द्वारा अन्य अमीनो अम्लों के निर्माण में मदद करते हैं, ठीक है, तो ये तो था आज का आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमने अमीनो एसिड को जाना था, ठीक है, क्या पढ़ा था, अमीनो एसिड को पढ़ा था, इसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़े थे और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था, ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी वीडियो एक एक करके देख सकें, ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए या आपको किसी अन्य तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको वीडियो चाहिए या आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो इसकी एक साइट है www.paperhacker.in, क्या है, paperhacker.in, इस साइट पे आप जाओगे तो यहाँ से आपको सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको विजिट करें और देखें क्या आपको पढ़ने का है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।